हेलो एवरीवन, आज हम आपके लिए नई रेसिपी जनाब लेके आए हैं स्पाइसी और स्वीट चिकन की, और बहुत ही मज़ेदार। इसको ज़रूर बनाइएगा, इसको ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं कि हमने इसको किस तरह से बनाया है। यहाँ पे हमने दो ब्रेस्ट चिकन ली है और उनको छोटे छोटे पीसीस में इस तरह से काट लिया है। अगर आप गोश्त के साथ ये रेसिपी बनाना चाहें तो आप उसके साथ भी बना सकते हैं। और यहाँ पे जो चीज़ें इसके अंदर जाएंगी उनमें थोड़ा सा तिलों का तेल है। अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है तो आप कोई सा भी तेल डाल सकते हैं। एक अदद अंडा इसमें शामिल करेंगे, थोड़ा सा सिरका डालेंगे और बटर इस्तेमाल करेंगे। बाकी स्पाइसेस में हम इसके अंदर काली मिर्च का पाउडर डाल रहे हैं, कुछ ऑल स्पाइसेस हैं, नमक है, कॉर्नफ्लोर भी शामिल करेंगे, थोड़ा सा लहसुन का पाउडर भी इसमें शामिल करेंगे और सोया सॉस भी शामिल करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम एक बड़े बर्तन में चिकन को डाल देते हैं और इसको डालने के बाद इसके अंदर स्टेप बाय स्टेप हम तमाम चीज़ें शामिल करेंगे। जो चीज़ें मैंने आपको दिखाई हैं वो सारी इसके अंदर शामिल करेंगे। ऑयल डाल दिया हमने, इसके अंदर अंडा भी डाल देंगे और ये सिरका भी हमने शामिल कर दिया। साथ ही साथ ये स्पाइसेस जितनी थी ये भी शामिल कर दी हैं हमने। लहसुन भी शामिल कर दिया और आखिर में हम थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर भी डाल देंगे, तकरीबन 2 टेबलस्पून के करीब। अब इनको हमने बहुत अच्छे से मिक्स करना है। आप हाथों से करना चाहें, चम्मच की मदद से करना चाहें, जैसे भी करना चाहें, आपकी अपनी मर्जी है। बाज़ लोगों को गोश्त की बू हाथों पे अच्छी नहीं लगती है, इसलिए वो हाथों से इसको मिक्स नहीं करते। अगर आपके साथ भी ऐसा है तो प्लीज़ आप एक दस्ताना पहन लीजिए और उसके बाद इसको हाथों से अच्छी तरह से मिक्स कीजिए। तो ये हमने मिला के साइड में रख दिया। बटर को हमने पैन में डाला है और ये जो हमने चिकन के पीसीस रखे थे, बाकी के कॉर्नफ्लोर में हल्का हल्का हम डिप करेंगे। बहुत ज़्यादा कॉर्नफ्लोर नहीं लगाना और उसके बाद इसको हम इस बटर में इस तरह से रखते चले जाएंगे। आंच हमने बिल्कुल धीमी रखी हुई है इस वक्त और इनको हमने सबको डाल दिया है और अब इसको वक्तन फोक्तन हिलाते रहिए और उसके बाद इसकी साइडें जो हैं वो चेंज करते रहिए ताकि ये एक साइड से जल ना जाए। तो ये देखिए थोड़ा थोड़ा सा पक गया है एक साइड से। अब इस वक्त हमने इसके ऊपर ढक्कन दे दिया है और ढक्कन दे के थोड़ी देर पकाया है और ये देखिए अब इसको हम साइड इसकी जो इस तरह से चेंज कर रहे हैं, थोड़ी थोड़ी क्रिस्पी हो गई हैं और हमें क्रिस्पी ही चाहिए। तो इनको इस तरह से दूसरी साइड करके थोड़ी देर और इसको हम पका लेते हैं। अब इसकी सॉस तैयार कर रहे हैं। यहाँ पे थोड़ा सा लहसुन है, केचप है, शहद इसमें जाएगा, सोया सॉस अगेन हम इसमें डालेंगे, थोड़ी सी चीनी है और सिरका है। अगर आपके पास ब्राउन शुगर नहीं है तो आप सफ़ेद भी डाल सकते हैं। पैन हमने गरम किया है और उसमें 2 टेबलस्पून के करीब हमने बटर दोबारा से डाला है। 2 टेबलस्पून बटर हमने पहले चिकन को भूनते वक्त डाला था। अब इसके अंदर हमने थोड़ा सा 1 चम्मच बारीक कटा हुआ लहसुन शामिल किया है। इसको हल्का सा हम भूनेंगे, ज़्यादा नहीं। आंच हमारी इस वक्त बिल्कुल धीमी है। तो हमारे जो बाकी की हमने चीज़ें आपको दिखाई हैं उनको एक प्याले में डाल के इसको मिक्स कर लेते हैं। अगर आप मिक्स नहीं भी करना चाहते तो आप डायरेक्ट भी डाल सकते हैं, लेकिन हमने यहाँ पे सारी चीज़ें मिक्स की हैं और मिक्स करने के बाद हम इसको पैन में डालेंगे। चलिए मिक्स हो गया और अब इसको हम लहसुन और बटर के मिक्सचर के ऊपर डाल के तो इसको थोड़ा सा पकाते हैं। ये हमने इसको इसमें डाल दिया है। इसको हल्की आंच पे तकरीबन 1 मिनट तक इसको हम थोड़ा सा पका लेंगे।
अगर आपको लगे कि ये बहुत गाढ़ा हो गया है तो इसके अंदर 2 टेबलस्पून के करीब पानी भी आप इसमें शामिल कर सकते हैं। अब इस टाइम में हम हमारा चिकन जो भुना हुआ है वो इसके अंदर शामिल करेंगे और इसको बहुत अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि ये सॉस जो है वो इसके ऊपर बहुत अच्छे से कोट हो जाए। यहाँ पे हमने 1 टेबलस्पून के करीब तिल जो हैं सफ़ेद तिल वो इसमें शामिल किए हैं और डालने के बाद दोबारा से इसको हम भून रहे हैं। तकरीबन ये सारा भूनने का टाइम जो है वो 3 से 4 मिनट है, इससे ज़्यादा नहीं। तो ये हो गया है, अब इसको हम प्लेट में निकाल लेते हैं। ये देखिए तैयार है बिल्कुल। इसके ऊपर भी दोबारा से हम थोड़े से तिल डाल रहे हैं और साथ ही साथ अगर आप धनिया डालना चाहें या पार्सले डालना चाहें, जो भी आप डालना चाहें आपकी मर्जी है। तो चलिए खाना खाने के लिए बिल्कुल तैयार है, बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही मज़ेदार। इसको ज़रूर बनाइएगा और बना के अपने प्यारे प्यारे फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा। यहाँ पे हम पीकन नट्स ऊपर लगा रहे हैं, अगर आपको पसंद हो तो आप ज़रूर रखिए और अगर ना पसंद हो तो बेशक इसको स्किप कर दीजिए। अगली रेसिपी तक इजाज़त चाहूँगी आप सबसे। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगेबान हो आप सबका।